यस, कक्षा 9th की ऑनलाइन क्लास में प्यारे विद्यार्थियों आपका स्वागत है। देखो, हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी 14, उसमें आपके लिए बता रहे थे माध्य, माध्यक और बहुलक किस प्रकार से निकालते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन माध्य निकालेंगे। जब इसको हल करेंगे तो इसका माध्य निकालेंगे तो देखो, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, या इसे मैंने बताया सिग्मा एक्स आई अपॉन एन द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। सिग्मा एक्स आई का मतलब है कि जितने भी मान दे रखे हैं उन सबको जोड़ लो, जितनी संख्याएं दे रखी हैं उनका भैया भाग लगा दो। ठीक है, तो माध्य निकालेंगे प्यारे बच्चों। तो पहले इन संख्याओं को जोड़ेंगे, 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 40 प्लस 62 प्लस 54 प्लस 40 प्लस 96 प्लस 52 प्लस, ठीक है, 98 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 52 प्लस 60 और बटे, ठीक है, कितनी संख्या है इन सबको गिन लेंगे। तो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और यहाँ 15 विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है तो यहाँ से भी आप इनको लिख सकते हैं। यहाँ अगर दे रखी है तो, नहीं दे रखी है तो आप गिन के भी इसको निकाल सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इनको जोड़ेंगे तो सबसे पहले इकाई का अंक, क्योंकि इकाई और दहाई वाले ही अंक हैं तो सबसे पहले अपन इकाई का अंक जोड़ेंगे। तो देखो, 1, 9, 10, 8, 18 और 2, 20 और 6, 26 और 2, 28, 32, 38, 40, 48, 50 और 2, 52, 52 की 2 हासिल, 5 हासिल के 5, 5 जोड़ देंगे और दाई वाले अंक को जोड़ देंगे, 5 और 4, 9, 9 और 3, 12, 12 और 4, 16, 16 और 5, 21, 21, 36, 40, 49, 54, 63, 67, 71, 73, 76, 71, 72, 73, 76, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 76, 82, 83, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82, 86, 82,
15 अपन कर देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब 15 का भाग अपन 822 में देंगे, तो देखो पन्ना 5 75 बेटा घटाए 12 में थे 5 की तो 7 बच गई, अंक उतार लिया 2 का, ठीक है। और 15 को 12 ऐसा पढ़ेंगे जो बेहतर से आए, पन्ना 4 60 कितने बचे बेटा 12 बचे, पॉइंट लगा दिया 0 और पन्ना 8 120। प्यारे विद्यार्थियों, भाग देने के बाद क्या आया आपका 54.8, ये इसका क्या कहलाएगा, माध्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माध्य कहलाएगा। तो माध्य तो आपको इस प्रकार से निकालना है। अब चलते हैं अपन, माध्यक निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको, माध्यक निकालना है। प्यारे विद्यार्थियों, माध्यक निकालेंगे तो माध्यक में मैंने आपके लिए एक बात बताई थी कि जो भी हमारे आंकड़े दे रखे हैं उन्हें आरोही क्रम में लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे अंकों को आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में रखने पर, हाँ जी आरोही क्रम में अपन रखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले इसमें ये देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या है इसमें 39, है ना। फिर इसके बाद में 39 के बाद में क्या आ रहा है हमारा 40, 40 के बाद में 41,
41 के बाद में 42 और 42 के बाद में 42 से ऊपर देखो 42 देखो 40 दो बार आ रहा है यहाँ तो दो बार ही लिखेंगे अपन इसको ठीक है। और ये 39 ठीक है। हाँ भैया अब 42 के बाद में 42 एक ही बार है 42 के बाद में क्या आ रहा है अब हमारा 40 क्या आ रहा है 40 40 के बाद में फिर क्या आ रहा है 48 कितना आ रहा है 48 और 48 के बाद में फिर क्या आ रहा है देखो 48 के बाद में 48 के बाद में आ रहा है 52 और 52 कितनी बार आ रहा है देखो एक बार दो बार तीन बार कितनी बार आ रहा है तीन बार आ रहा है तो तीन बार 52 लिख देंगे 52 प्यारे विद्यार्थियों 52 के बाद में फिर देखेंगे अपन फिर क्या आ रहा है हमारा 54 कितना आ रहा है 54 आ रहा है तो फिर अपन 54 लिखेंगे 54 के बाद में 54 से बड़ी फिर कौन सी संख्या आ रही है देखो यहाँ 54 के बाद में 54 के बाद में ठीक है 54 के बाद में फिर नंबर आ रहा है किसका 62 का यहाँ 62 लिखेंगे और फिर 62 के बाद में फिर नंबर किसका आ रहा है देख लो सॉरी 54 के बाद में 60 आ रहा है 60 के बाद में 62 आ रहा है ठीक है 60 के बाद में कितना आ रहा है 62 आ रहा है और 62 के बाद में फिर और देखें अपन 62 के बाद में फिर आ रहा है हमारा कितना बेटा 96 और 98 प्यारे विद्यार्थी गिर के देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सारी संख्याएं हो गई। अब n बराबर कितना है पदों की संख्या कितनी है पदों की संख्या और ये n है और ये बराबर कितनी है यहाँ 15 है तो अपन माध्यक निकालेंगे तो माध्यक बराबर होगा n प्लस 1 बटे 2 वा पद तो n हमारा कितना है 15 प्लस 1 बटे 2 तो बराबर कितना हो गया 16 बटे 2 बराबर कितना हो गया 8 वा पद। अब यहाँ देख लेंगे 8 वा पद कौन सा आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना आ रहा है 52 आ रहा है तो प्यारे विद्यार्थियों इसका माध्यक कहलाएगा वो 52 कहलाएगा क्या कहलाएगा 52 कहलाएगा ठीक है ना क्या कहलाएगा 52 कहलाएगा। अब हमारा रह गया हमारा बहुलक क्या रह गया बहुलक प्यारे विद्यार्थियों बहुलक में मैंने आपके लिए बताया कि कौन सा अंक कौन सी संख्या सबसे अधिक बार प्रयुक्त हो रही है वही इसका बहुलक कहलाएगा। तो देखो हमने आंकड़े देखे तो देखो ये वाला 52 आ रहा है वो अधिकतम बार आ रहा है तीन बार आ रहा है तो प्यारे विद्यार्थियों इसका बहुलक भी 52 ही होगा कितना होगा 52 यहाँ लिख देंगे कि 52 संख्या सबसे अधिक बार प्रयुक्त हुई है अतः ठीक है बहुलक 52 होगा कितना होगा प्यारे बच्चों 52। तो आप समझ गए होंगे माध्य किस प्रकार से आंकड़े दे रखे हैं तो माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या अपन कर देंगे सब आंकड़ों को जोड़ देंगे जितनी संख्या होगी उसका भाग अपन लगा देंगे आपका माध्य आ जाएगा। माध्यक में क्या करते हैं पहले अंकों को आरोही क्रम में रखते हैं संख्याओं को प्रेक्षणों को आरोही क्रम में रखते हैं आरोही क्रम में रखने के बाद यहाँ पहले पदों की संख्या देखते हैं यदि पदों की संख्या विषम आ रही है देखो विषम आ रही है तो माध्यक n प्लस 1 बटे 2 बार होता है और n का मान यहाँ पदों की संख्या है ही कितना दे रखा है 15 16 आ गया और 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 वा पद होगा 8वें पद को देख लो कौन सा आ रहा है वही इसका क्या कहलाएगा माध्यक कहलाएगा। और बहुलक को तो आप समझ ही गए होंगे कि जो अंक सबसे अधिक बार प्रयुक्त होता है वही बहुलक कहलाता है वही क्या कहलाता है आपका बहुलक कहलाता है।
ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, अपन आसानी से ऐसे सवालों को कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट अगला इस प्रकार से भी आ जाता है आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो इसका तीसरा क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्न प्रेक्षण यहाँ दे रखे हैं को आरोही क्रम में किसमें रखा है, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। और यदि रखा गया है, यदि आंकड़ों का माध्यक 63 है तो x का मान ज्ञात करो। यानी आपके लिए माध्यक दे रखा है और एक संख्या छुपा ली गई है, उस संख्या को हमें निकालना है। जैसे 29, 32, 48, 50, x प्लस 2, 72, 78, 84 और 95। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका हमें x का मान निकालना है। तो देख लें पदों कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। तो n बराबर कितना आ रहा है आपका, 10 आ रहा है। तो ये समय या विषमय है, समय है। तो आपका माध्यक क्या कहलाएगा, माध्यक बराबर होगा, सूत्र लिख देंगे सम के लिए, n/2 + n/2 + 1/2 के, ठीक है। या आप इधर से भी कर सकते हो इसको, देखो इस वाले और इस वाले को दबा दो, एक एक अंक छोड़ के दबा दो, इस वाले को इससे दबा दिया, इस वाले को इससे, ये बीच वाले दो बच रहे हैं आपके, इन दोनों को जोड़ लो और 2 का भाग लगा दो। माध्यक आपको दे ही रखा है 63 है, बराबर क्या है, n/2 का पद है, वो एक्स है आपका, ये x+2 है 2 के। तो 63 बराबर इनको जोड़ेंगे तो 2x+2/2, इसमें बेटा 2 का भाग लगा दें तो 2x आएगा प्लस 1 आएगा, और इसका क्या कर दिया जाए, पक्षांतरण कर दिया जाए, तो 63 - 1 बराबर हो जाएगा x के, तो 62 बराबर क्या आ गया, x। प्यारे विद्यार्थियों, आपका x का जो मान निकल के आएगा वो 62 आएगा। तो आसानी से आप ऐसे सवालों को हल कर सकते हो। धन्यवाद।